नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 24 के इस खास पेशकश सितंबर स्पेशल डेज में। आप सभी में से कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे जिन्होंने हमारे इस वीडियो को देख करके, हेडलाइंस को पढ़ करके लिंक पर क्लिक किया होगा और अभी इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। इसे हम पढ़ना लिखने को हम साक्षरता के तौर पर देखते हैं। आज चूंकि 8 सितंबर है और 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर ही बात करने वाले हैं कि साक्षरता का मतलब आखिर होता क्या है और इस साक्षरता दिवस को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। साक्षरता सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, यह आजादी का टिकट है, समुदाय में आवाज है और अवसरों का पुल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर लोग इन सिद्धांतों का जश्न मनाने और उन पर विचार करने के लिए इकट्ठा होते हैं और वे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, जो आज भी मनाया जा रहा है, ताकि हमारे अपने स्थानीय समुदायों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर मौजूद साक्षरता समस्याओं के बारे में जागरूकता और चिंता बढ़ाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन या यूनेस्को की घोषणा द्वारा की गई थी। लोगों को गरिमा और मानवाधिकारों के मामले के रूप में साक्षरता के महत्व की याद दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निरक्षरता की चुनौतियों को स्थानीय समुदाय में वापस लाता है, जहां साक्षरता एक समय में एक व्यक्ति से शुरू होती है। साक्षरता के प्रति हमारे बुनियादी मानव अधिकार के महत्व को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि पहले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बाद से 50 से अधिक वर्षों में साक्षरता दर में सुधार करने में बहुत प्रगति हुई है, फिर भी निरक्षरता एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। माना जाता है कि दुनिया भर में 750 मिलियन से अधिक वयस्क ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते। निरक्षरता का अभिशाप दुनिया के किसी भी देश या संस्कृति को नहीं बख्शता, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, जहां अनुमानित 32 मिलियन अमेरिकी वयस्क निरक्षर हैं। मीरियम वेबस्टर डिक्शनरी साक्षरता को साक्षर होने की गुणवत्ता या स्थिति, शिक्षित, पढ़ने और लिखने में सक्षम के रूप में परिभाषित करती है। दुनिया के हर स्थानीय समुदाय में निरक्षरता को मिटाना ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की कल्पना सबसे पहले 1965 में ईरान के तेहरान ने आयोजित निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में की गई थी। अगले वर्ष यूनेस्को ने पहल की और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों की दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाना। एक साल बाद वैश्विक समुदाय ने पहले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस में भाग लेकर निरक्षरता को समाप्त करने की चुनौती को स्वीकार किया। साक्षरता एक वरदान है जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। पढ़ना हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है। बिना पढ़े या लिखे दुनिया में आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण और कई चीजों का अनुभव करने में बाधा उत्पन्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर संगठन और व्यक्ति जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी साक्षरता का उपयोग उन लोगों को प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए करते हैं जो पढ़ने और लिखने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। छात्र और नौकर पेशा लोग समुदाय में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। इसी के साथ आप भी यदि पढ़ने में कोई समस्या आती है तो आप साक्षरता की इस मुहिम के चलते आप फिर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं इस रिपोर्ट में अलविदा लेती हूं। फिर हाजिर रहूंगी ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट के साथ।